वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा नोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सेकेंड टॉपिक और पार्ट टू ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। पार्ट वन में हमने आपको पांच टॉपिक कवर कराए थे, आज आगे के टॉपिक कवर करेंगे। आज हम टॉपिक कवर करेंगे जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सोलबिलिटी ऑफ ड्रग्स, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ, रोल्स लॉ और फिफ्थ टॉपिक हमारा सोलबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आपको WhatsApp और Telegram दोनों पे आपको PDF फॉर्म में इसके नोट्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलबिलिटी ऑफ ड्रग्स, जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सोलबिलिटी ऑफ ड्रग्स को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया, पार्टिकल साइज हो गया। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है सोलबिलिटी ऑफ ड्रग्स को, जैसे सोलबिलिटी ऑफ ड्रग्स में टेम्परेचर बहुत अफेक्ट करता है, जैसे कि सोलबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो सोलबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। दिस मीन्स डेट इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोलबिलिटी ऑल्सो, दिस मीन्स इफ द टेम्परेचर इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज, बट इन सम केसेज द सोलबिलिटी डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि जो हमारी सोलबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसमें मतलब कि प्रोपोर्शनली नहीं होता है, इम्प्रोपोर्शनली होता है, और सारी सोलबिलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है टेम्परेचर का, ठीक है। फिर सेकेंड टॉपिक क्या हमारा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लाइक डिजोल्व लाइक, जिसे हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे एग्जांपल क्या होगा, पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, जो पोलर सोल्यूट है वो डिजोल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में। फिर तीसरा टॉपिक क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या है, द सोलबिलिटी ऑफ द गैसेस इज इंक्रीज बाय द इंक्रीज इन प्रेशर, जो सोलबिलिटी ऑफ गैस की इंक्रीज होगी बाय उसी के साथ प्रेशर भी इंक्रीज होगा। फिर नंबर फोर्थ टॉपिक हमारा आता है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज क्या होता है, एज द पार्टिकल साइज डिक्रीज, जब पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा द सोलबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जिसके जैसे कि सोलबिलिटी इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। अब हम आते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट का है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, द चेंज इन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, जो चेंज होता है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में स्ट्रांगली अफेक्ट द सोलबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर का चेंज होगा वो बहुत अफेक्ट करता है सोलबिलिटी ऑफ द कंपाउंड पर। एग्जांपल क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोफिलिक ग्रुप इनटू द हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस इंप्रूव्स इट्स सोलबिलिटी, ये इसका एग्जाम्पल। इसका सिक्स पॉइंट आता है सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूट सोलवेंट अट्रैक्शन इक्वेट टू ग्रेटर सोलबिलिटी वाइल वीक सोल्यूट सोलवेंट अट्रैक्शन इक्वेट टू लेजर सोलबिलिटी। स्ट्रॉन्ग सोल्यूट सोलवेंट अट्रैक्ट करता है इक्वेट टू ग्रेटर सोलबिलिटी को, वाइल वीक सोल्यूट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है लेजर सोलबिलिटी को, ठीक है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो गैस इन लिक्विड, जो सोलबिलिटी होती है गैस की वो लिक्विड में, सोलबिलिटी ऑफ अ गैस, गैस की सोलबिलिटी क्या है, गैस की सोलबिलिटी क्या है, सोलबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिपेंड्स करती है द फॉलोइंग फैक्टर्स सच ए टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द लिक्विड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड गैस, ठीक है, समझ में आपको, जो क्या जो लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, कुछ फैक्टर्स पर डिफेक्ट करती है, क्या फैक्टर्स पे इफेक्ट करती है, क्या होता है, सच ए टेम्परेचर पर करती है, पार्शियल प्रेशर पर होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द लिक्विड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड द गैस। अब आता हमारा हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या था, हेनरी ने अपना क्या लॉ दिया था, आइए हम पढ़ते हैं हेनरी लॉ। क्या हेनरी लॉ, इट स्टेट्स दैट द सोलबिलिटी ऑफ अ गैस, जो सोलबिलिटी ऑफ द गैस है इन अ लिक्विड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, जो लिक्विड गैस इन अ लिक्विड, जो गैस है वो लिक्विड में पार्शियली प्रोपोर्शनली है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यस इन टू पी यस बराबर के पी, के इज इक्वल टू हेनरी कोशेंट। क्या जैसे कि हम दो बीकर लेते हैं, हेनरी लॉ में क्या है, हम दो बीकर लेते हैं, ठीक है, एक बीकर में हमने क्या करा, उसमें नीचे लिक्विड भर दिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने गैस भर दी और उसके ऊपर हमने वेट लगाया, ठीक है, हम जैसे जैसे वेट उसके ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जो गैस का वैक्यूम है वो कम होता जाएगा लेकिन लिक्विड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ऊपर से वेट बढ़ाते जाएंगे गैस का वैक्यूम कम होता जाएगा, गैस का वैक्यूम कम हो जाएगा गैस टाइट हो जाएगी, जैसे कि इसका एग्जांपल आप कोल्ड ड्रिंक लो या सोडा पीते हो उसमें एकदम अचानक से गैस निकलती है, वो इसी का, तो उसमें वेट बहुत होता है, लिक्विड होती है लिक्विड के ऊपर गैस होती है, ठीक है, तो उसका प्रेशर जैसे हम खोलते हैं तो वेट हटाते हैं वैसे ही गैस निकल पड़ती है, ठीक है, ये होता है हेनरी लॉ।
हेनरी लॉ में क्या बताया इन्होंने, यस इनटू केपी, के क्या है, एक हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं इसका क्या मतलब है, अब बताते हैं पढ़ते हैं। इट सॉल्युबिलिटी मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन दैट हेनरीज लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनली किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के, इन टू इन द सोल्यूशन एंड द एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, P इक्वल टू के एच के कॉन्स्टेंट, ठीक है, इन टू के एच क्या होता है, हमारा हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसका ये ग्राफ दिया गया हुआ है, आप ग्राफ देख लीजिए, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वैसे इधर भी बढ़ रहा है। इफ पार्शियल प्रेशर इज लो द कंसंट्रेशन ऑफ गैस विल आल्सो लेस, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर लो होता जाएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ गैस भी लो होती जाएगी। इफ द पार्शियल प्रेशर इज इंक्रीज, अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन विद द सर्फेस विद आल्सो इंक्रीज, जो कोलिजन ऑफ सर्फेस है वो भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं रॉयल्स लॉ, हेनरी लॉस कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है। रॉयल्स लॉ, रोल्स ले में क्या है, रोल्स ने क्या बताया, द पार्शियल वेपर प्रेशर पी आई, जिसे हम प्रेजेंट कहते हैं पी आई, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन, क्या ऑफ ईच कंपोनेंट इज सिचुएशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। फिर समझिए, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ईच कंपोनेंट का, वो सिचुएशन कहाँ होती है, डायरेक्टली रिलेटेड टू होता है किसका, मोल फ्रैक्शन के ऑफ द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है उसका डायरेक्टली रिलेटेड होता है, इन द लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। इन्होंने क्या होता है, पी आई पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी आई, पी इज इक्वल टू पी ए एक्स ए प्लस पी ए एक्स पी बी एक्स बी, बेहद एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट का ए वाला, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। इसकी लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, दिस इज अपियर्स ऑन द डायल्यूट सोल्यूशन, ये किस पे अपियर होता है, डायल्यूट सोल्यूशन पे अपियर होता है। दिस इज अप्लाइड टू सोल्यूशन कंटेनिंग ओनली अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, ये किस पे अप्लाई होता है, कंटेनिंग होती है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पे, डज नॉट अप्लाई, इसे हम अप्लाई नहीं कर सकते, सोल्यूट डेट डिसोसिएट और एसोसिएट विद द इन द सोल्यूशन, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं, सोलबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जो लिक्विड इन लिक्विड में सोलबिलिटी है, इसमें क्या, हम पहले इसका हमारा नंबर वन पे आता है वाइनरी सोल्यूशन, नंबर टू पे आता है आइडियल सोल्यूशन, पहले हम पढ़ते हैं वाइनरी सोल्यूशन। वाइनरी सोल्यूशन क्या है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू कम्प्लीटली मिसेबल लिक्विड्स, या एक कम्बिनेशन है मिक्सचर ऑफ टू कम्प्लीटली मिसेबल लिक्विड्स का, जैसे साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन क्या है, इसका आइडियल सोल्यूशन क्या है, द सोल्यूशन डेट अवे द रॉयल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जो रॉयल्स लॉ को मानता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म इन आइडियल सोल्यूशन व्हेन द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी आर आइडेंटिफिशियल एंड देयरफॉर द अट्रैक्शन ए एंड बी विल बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ए एंड बी। समझ में आया, नहीं समझ, के दो लिक्विड्स होंगे फ्रॉम द आइडियल सोल्यूशन से, जो क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे बिटवीन ए में अट्रैक्ट होंगे, बी और बी में अट्रैक्ट होंगे, आर आइडेंटिकल हो गए, देयरफॉर इसे अगर अट्रैक्शन हुआ, ए और बी का अट्रैक्शन हुआ, बिल बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ठीक है, और ए एंड बी अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। नो हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग मिक्सिंग, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होती है ड्यूरिंग मिक्सिंग में, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो, नो होती है, बिल्कुल हीट एब्जॉर्ब्ड नहीं होती है, ठीक है। नो एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रैक्शन और मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, समझ में आया। क्या फिर हमारा लास्ट में क्या, रियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है। द सोल्यूशन डिड डू नॉट अवे द रॉयल्स लॉ को, जो अवे नहीं करता है सोल्यूशन, उसे हम कहते हैं रियल सोल्यूशन, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रियल सोल्यूशन। हीट अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, डेल्टा मिक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, वैल्यू एक्सप्रेशन और कंट्रैक्शन, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, जी कि क्या हो गया, ए माइनस ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो इतना ही हो गया, हीट अब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, जी कि डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और वैल्यूम एक्सप्रेशन और कंट्रैक्शन, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू बी माइनस बी।
नॉट इक्वल टू ए माइनस बी इंटरेक्शन। अगली पार्ट में वीडियो, आज की वीडियो यहीं तक, ये पार्ट यहीं तक खत्म होता है। अगले पार्ट्स आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अगले टॉपिक्स क्या होंगे हमारे यूनिट, जो हमारे पार्ट थ्री की वीडियो आएगी उसमें हम टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे आप उस पर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा जो हम टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे। जैसे कि हम टॉपिक कवर करेंगे, नंबर वन टॉपिक हमारा होगा डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो डिफ्यूजन प्रिंसिपल होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, वो हम कवर करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक होगा पार्शियली मिसेबल लिक्विड्स, जो पार्टिकल हैं वो कैसे मिसेबल होते हैं लिक्विड्स में पार्शियली, ठीक है। क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर इट्स एप्लीकेशन, क्रिटिकल सोल्यूशन का हम टेम्परेचर पढ़ेंगे और इसके कम्प्लीट अप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपके इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ आपको पूछना हो, आपके कुछ डाउट्स हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके आपको नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, आप इसके आप नोट्स पीडीएफ फॉर्म में ले